टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत का प्रदर्शन सभी के लिए चौंकाने वाला रहा है, चाहे हम देशवासियों की बात करें या फिर विदेशी प्लेयर्स की। सभी इस बात को सोच रहे हैं कि आखिर क्या हो गया भारतीय टीम को, जो इस टी20 वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम मानी जा रही थी, वो टीम अब बस टूर्नामेंट से बाहर होने को है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया के सपनों को तोड़ दिया, लेकिन आखिर क्यों भारत का प्रदर्शन इतना कमजोर रहा? क्या ICC और BCCI भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? BCCI के शेड्यूल से टीम थक गई है क्या, या फिर ICC के पैसा बनाने के चक्कर में टीम को नतीजा भुगतना पड़ा? तो चलिए आज इसी पर आपको बताते हैं कि कैसे BCCI और ICC की प्लानिंग बनी है टीम के लिए भारी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल NN स्पोर्ट्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भारत की टीम पिछले 4 महीने से बायो बबल में है। जी हाँ, टीम पिछले 4 महीनों से विदेशों में जाकर खेल रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि टीम के ऊपर बायो बबल की थकान साफ तौर पर देखी जा सकती है। कई खिलाड़ी बोल भी चुके हैं कि लगातार बायो बबल में रहने से दिमाग की थकान शुरू हो जाती है, और फिर जैसे इंग्लैंड से होकर आए तुरंत ही IPL शुरू हो गया। आमतौर पर यही होता है कि मैचों के शेड्यूल का प्लेयर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता, और अब महामारी की वजह से बायो बबल में लगातार रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। बोर्ड को देखना चाहिए कि एक बड़े टूर्नामेंट से पहले प्लेयर्स को आराम मिलने का प्रॉपर टाइम मिले, क्योंकि बायो बबल में एक जैसा ही आपका रूटीन बन जाता है, और 4 महीने काफी लंबा समय होता है। BCCI अब वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल जैसे बड़े प्लेयर्स को आराम देने जा रही है। अगर यही काम पहले हो जाता तो शायद आज रिजल्ट कुछ अलग ही होता। ये तो बात हुई BCCI की, अब आपको बताते हैं कि कैसे ICC की वजह से भारत को नुकसान हुआ है। दरअसल ICC को पता है कि इंडिया के मैचों के लिए लोग काफी इंतजार करते हैं, जिससे ICC खूब पैसा बनाती है। इसी को देखते हुए ICC ने भारत के सभी मैच शाम को रखे, और शाम को आप जानते ही हैं कि ओस हार का कितना बड़ा कारण बन सकती है। अगर बाकी बड़ी टीमों जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका को देखें तो इन सभी का कम से कम एक मैच दोपहर में हुआ है, जिसकी वजह से ओस का असर ना के बराबर रहा, और भारत ने दोनों ही मैचों में टॉस भी हारा, जिसकी वजह से बाद में बॉलिंग करनी पड़ी भारत को सबसे ज्यादा महंगी। साथ ही भारत के एक मैच को छोड़कर सभी मैच दुबई में हुए हैं, क्योंकि दुबई का ग्राउंड बड़ा है, जिससे ज्यादा दर्शक वहां आ सकते हैं। और उससे होता क्या है? इससे ये होता है कि ICC मोटी कमाई करती है। हालांकि ICC को तो इससे फायदा हुआ, पर भारत को काफी बड़ा नुकसान हो गया। खैर, अगर भारत इस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तो इससे ज्यादा नुकसान BCCI और ICC को ही होगा, क्योंकि भारत के सेमीफाइनल और फाइनल में जाने से इन दोनों पर पैसों की बरसात होती। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाया तो इसका खामियाजा भी इन दोनों बोर्डों को भरना पड़ेगा। अब ये तो आने वाले कुछ समय में पता ही चल जाएगा कि भारत का सफर कितना लंबा है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि अब टीम का भविष्य दूसरे टीमों के रिजल्ट पर भी डिपेंड करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो और लाइव सेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।